वेलकम बैक स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर और ये क्लास टेंथ का फिजिक्स का लेक्चर का सीरीज चल रहा है। इससे पहले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर किया था जिसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों को पढ़ना क्या है, क्लास टेंथ के फिजिक्स में क्या क्या है, इसके बारे में मैंने चर्चा कर ली है। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने आपको सीक्वेंस में बताया था, चार्जेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वर्ड इलेक्ट्रिसिटी जो है, जिसके बारे में मैंने पहले बता चुका है कि इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच है रियली में, जिसमें चार्जेस के बारे में स्टडी होता है और भी बहुत सारी बातें, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, उनसे निकला फील्ड के बारे में स्टडी होता है। तो इससे पहले मैं ये बताऊँ कि चार्जेस क्या होते हैं, हम थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हिस्ट्री हम लोग ज़्यादा देखने वाले नहीं हैं, ज़्यादा नहीं देखने वाले हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपका मन नहीं है हिस्ट्री देखने का तो आप 5 मिनट से नेक्स्ट स्किप कर लीजिए और उसके बाद आप देख सकते हैं थ्योरी सिर्फ चार्ज का। अभी हम लोग इस 5 मिनट में क्या करने वाले हैं, तो देखने वाले हैं कि ये वर्ड इलेक्ट्रिसिटी आखिर आया कहाँ से, ठीक है, कहाँ से ओरिजिन हुआ है। तो मैं 3 साइंटिस्ट का मेनली नेम लूँगा जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिए हैं, वैसे बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मैं 3 का कंट्रीब्यूशन दूंगा। एक उनमें थे थेल्स ऑफ मिल्टस, मैथमेटिशियन भी थे, आप लोग यूक्लिड ज्योमेट्री इनका पढ़े होंगे, यूक्लिड ज्योमेट्री से पहले जो थे इन्होंने ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था थेल्स ने, ठीक है, मैथ्स को बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। यही थे सबसे पहले जिन्होंने ये पहला प्रूफ दिया था मैथमेटिक्स को, इट वॉज थेल्स। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा हुआ है कि थेल्स ही पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पहला प्रूफ दिया था कि जो सर्किल होता है उसका जो डायमीटर होता है वो उसको 2 टुकड़े में बांटता है। खैर ये मैथमेटिक्स से बात था, हम लोग अभी फिजिक्स से बात करें। तो थेल्स जो थे, थेल्स और मिल्टस, ये मैथमेटिशियन भी थे और एक फिजिसिस्ट भी थे। तो इन्होंने एक बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशन किया था जो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक इम्पोर्टेंट ब्रेक डाउन था, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में इन्होंने एक देखा था एक चीज़, पहले एक फॉसिल होता है अंबर, आपका फिगर दिख रहा होगा अंबर का, ये अंबर क्या है, ये एक फॉसिल है, ठीक है। अब आपको कोई किसी को फॉसिल नहीं पता है तो समझिए कि हमारा जो शरीर है या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर है, बॉडी है, वो जब सर गल जाता है, ठीक है, अर्थ के अंदर जब डिकम्पोज हो के सर गल जाता है तो उसका जो स्टेज बचता है, जो बचता है उसी को हम लोग फॉसिल के नाम से जानते हैं। तो आपको एम्बर दिख रहा होगा, तो ये एम्बर जो है इनको पहली बार इन्होंने रगड़ा था, ठीक है। तो रगड़ने पे इस पे किसको, अंबर को रब करने पे इसमें अट्रैक्टिंग कैपेसिटी आ गई थी, ये स्मॉल पेपर्स को अट्रैक्ट कर सकता था, ठीक है, अंबर, और ये जो अंबर है ये अट्रैक्ट कर सकता था। तो इन्होंने इसको कंपेयर किया, इससे पहले भी मैग्नेट का खोज हो चुका था, मैग्नस, आप लोगों ने मैग्नेशिया का एक छोटा सा कहानी सुनाई होगा कि उसमें जो एक लड़का था मैग्नस, जो सिफर था और उसके पैर में चिपक गया था, तो वो भी कहानी सुनाई होगा। तो इन्होंने इसको कंपेयर कर दिया लोड स्टोन से, ठीक है, वो बोले कि जैसे लोड स्टोन होता है, लोड स्टोन सुने होंगे, मैग्नेटाइट सुने होंगे, नहीं कुछ तो एक ब्लैक रॉक पत्थर तो सुने ही होंगे आप, ठीक है, जिसपे वो लड़का था और उसका पैर चिपक गया था, तो ब्लैक रॉक जो था उस चिपक गया था। तो थेल्स और मिल्टस जो थे उन्होंने पहली बार ये कंपेरिजन किया कि जैसे लोड स्टोन होता है उसके पास अट्रैक्टिंग पावर अपने आप होती है, अट्रैक्टिंग पावर इज एग्जिस्ट पहले ही से रहती है बिना रबिंग के, विदाउट रबिंग, ठीक है, वो जो मैग्नेट को बोले थे लोड स्टोन मैग्नेटाइट नेचुरल मैग्नेट है। लेकिन जो फॉसिल ये था, ये अंबर, इसमें कब आता है, तो इसमें अंबर में तब आता है जब इसको रब किया जाता है, तब इसके पास क्या आता है, अट्रैक्टिंग कैपेसिटी, अट्रैक्टिंग पावर। तो इन्होंने मैग्नेट से कंपेयर किया, ऑल दो इनको बाद में जाके गलत किया गया कि ये मैग्नेट बहुत अलग है और ये कुछ अलग बात थी। फिर आए एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, ये तो मेरा फर्स्ट था नाम, इसके बाद आए विलियम गिलबर्ट, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो विलियम गिलबर्ट का मेन जो कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि इन्होंने ही पहली बार जो है इसके लिए टर्म एक कॉइन किया था। ऑल दो थेल्स और मिल्टस जो थे इन्होंने अंबर को ही, अंबर को जो इजिप्ट के थे, तो अंबर को ही इन्होंने एक नाम दिया इलेक्ट्रॉन। जी आपने ठीक सुना, यहाँ के ही होगा इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होता था ग्रीक में और इजिप्ट में अंबर। यहीं से इलेक्ट्रिसिटी खोज हुई थी। ये सेकेंड जो साइंटिस्ट है विलियम गिलबर्ट, इन्होंने भी थोड़ा हमारे अंबर पर काम किया और ये एक नए टर्म को कॉइन किए, कॉइन टर्म इलेक्ट्रीसियस, और ये इलेक्ट्रीसियस किसके लिए, फॉर अंबर के लिए, अंबर के लिए ही एक नया नाम सजेस्ट किया और इसी से वर्ड आया इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी। तो रियल में इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी जो देखे तो उसका नाम आया है एक छोटे से फॉसिल से, अंबर से, ठीक है, जिसका आपको फिगर दिखा होगा, ओके, और ये अंबर में कैपेसिटी होते हैं। उसके बाद थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, ये दिया है बेंजामिन फ्रैंकलिन, और इनके बारे में तो हमको पढ़ना भी है, तो ये हिस्ट्री भी बोली और आपका सिलेबस में भी इनके बारे में पढ़ना है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनका आपने बचपन की क्लासों में
और वो काइट वाला एक्सपेरिमेंट देखा ही होगा, आपको फिगर भी दिख रहा होगा। वो काइट वाला एक्सपेरिमेंट में ये क्या किए थे, एक काइट बनाए थे और इस काइट में उन्होंने इस काइट के धागे को, ये नायलॉन का धागा था, इसमें एक छोटा सा मेटल का की लगा दिया था, और इस मेटल के की को इन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था इस काइट को, और जब ये टच किए थे इसको तो इनको करंट लगा था। तो इन्होंने पहला बार ये बोला कि ये कुछ भी है जो अंबर तत्काल हम लोग बोल रहे थे, या इलेक्ट्रिसियस अलग अलग साइंटिस्ट बोल रहे थे, और इन्होंने ही कॉइन किया चार्ज, टर्म चार्ज, और इन्होंने ये बताया कि जो चार्ज होता है, चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर। अब ये चार्ज क्या है, ठीक है, तो तब तक लोग समझते थे चार्ज मतलब अट्रैक्टिंग कैपेसिटी, किसी चीज़ का अट्रैक्टिंग कैपेसिटी जो होता है, अट्रैक्टिंग पावर जो होता है, उसी को इन्होंने तब तक चार्ज का रूप दिया था। तो बोले चार्ज जो है एग्जिस्ट करता है नेचर में भी, ठीक है, जिसको उन्होंने लाइटनिंग के वक्त, ये कब हुआ था, लाइटनिंग, जब लाइटनिंग हो रहा था, बिजली जब कड़क रही थी, तब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने पहली बार बताया कि जो है लाइटनिंग चूंकि नेचुरल फेनोमेन है, तो चार्ज जो है वो चार्ज मतलब अट्रैक्टिंग कैपेसिटी, वो नेचर में ही प्रेजेंट है। तो यही था बहुत सारा हिस्ट्री, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ खैर, इन्होंने ही पहली बार पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो आप जानते हैं वो इन्होंने ही कॉइन किया था, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं ही कॉइंड द टर्म, मतलब इन्होंने पहली बार टर्म किया था, ही कॉइंड द टर्म पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। अब क्यों पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी बात कर लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्म, तो देखिए जो पॉजिटिव निगेटिव है, तो पहले ये कंसेप्ट था कि हर बॉडी में एक तरह का इनविजिबल फ्लूइड रहता है। क्या रहता है, इनविजिबल मतलब नहीं दिखने वाला फ्लूइड। अगेन आपको हिस्ट्री नहीं देखना है तो सॉरी, 5 मिनट से ज़्यादा हो गया है तो आप स्किप कर सकते हैं। इनविजिबल फ्लूइड होता है, तो इनविजिबल फ्लूइड तो समझते हैं, फ्लूइड लिक्विड और गैस को बोलते हैं। तो इन्होंने सोचा था लिक्विड या गैस को, ये लिक्विड है जो जब किसी दूसरे चीज़ के साथ रब किया जाता है, जैसे हम लोग कंघी को रब करते हैं अपने हेयर पे, तो वो छोटे छोटे पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये सोचे थे कि ये जो इनविजिबल फ्लूइड था, जब किसी बॉडी में को रब किया जाता है किसी दूसरे बॉडी से, तो वो फ्लूइड दूसरे में, एक फ्लूइड से निकल के, वो फ्लूइड एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में चला जाता है। तो एक फ्लूइड जिससे वो निकल गया, वो जो चार्ज है, वो उन्होंने बोला कि उसका पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं आपको बता रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज क्यों ये नाम दिए होंगे, और इसका निगेटिव चार्ज बोल दीजिए, ठीक है। अब कैसे पता चला कि चार्ज दो तरह का है, ये कैसे पता चला कि चार्ज दो तरह का, आपको ये थ्योरी भी हो रहा है हिस्ट्री के साथ, थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी हो रहा है कि चार्ज का दो टाइप होता है। तो इन्होंने देखा कि मान लीजिए ये ग्लास रॉड है, और ये आप लोगों में एग्जाम्पल भी आ रहा था खूब, तो ये ग्लास रॉड है, इसको हम एक फर के साथ, फर मतलब जो बाल होता है उसका, मान लीजिए कैट का फर है, मतलब कैट का जो ऊपर का फर होता है, जो बाल होता है उसका, ठीक है, हेयर होता है, वो कैट के फर के साथ, स्किन के साथ हम लोग रब किए, तो कैट के फर के साथ रब किए तो देखे क्या, एक और हमारे पास ये दो, हम लोग ग्लास रॉड के साथ किए, ये क्या है, ग्लास का एक रॉड है सिंपली। तो इस दो ग्लास रॉड के साथ हम लोग क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए कि कैट के फर को रगड़े, उसके बाद देखा गया कि ये दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रहा था। क्या कर रहा था, ये दोनों ग्लास रॉड को जहाँ एक दूसरे के पास ला रहे थे, तो ये इसको इधर धकेलता था और ये इसको इधर, मतलब यहाँ रिपेलिंग आ रहा था, लेकिन यही इसको इसके साथ ले आया जाता था तो अट्रैक्शन होता था, मतलब अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्शन भी हो रहा है। तो ये कब हो सकता है, जब दो अलग अलग तरह का कोई चीज़ हो, ठीक है, ऑफकोर्स वहाँ चार्ज हो, चार्ज है हम लोग आज जानते हैं, पर उस समय में बोलते थे कि ऑफकोर्स यहाँ पे कोई दो अलग अलग चीज़ है। इसी से आया था कंसेप्ट कि जो भी है, जो फ्लूइड है, जिसको ये लोग तत्काल नाम नहीं दिए थे चार्ज, पर अभी हम लोग पढ़ लिए हैं, तो वो जो फ्लूइड है वो दो तरह का है, और फ्लूइड जो है बाद में चार्ज के नाम से जानने लगे हम लोग, तो वो फ्लूइड जो है वो दो तरह का होता है, ठीक है, और दोनों का नेचर कैसा है, अपोजिट, क्योंकि एक रिपेल भी कर रहा था, एक अट्रैक्ट भी। तो यही इस फ्लूइड को बाद में इन्होंने चार्ज नाम दिया, और ये चार्ज कितने तरह का होता है, चार्जेज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। अब देखिए एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता था, जैसे ये चार्ज था, ये बॉडी में कुछ फ्लूइड या चार्ज जो था, अब हम लोग चार्ज ही बुलाएंगे उस फ्लूइड को, तो जब ये बॉडी जो इसे अभी जस्ट रगड़ा गया था, इसको पास में लाया जाता था, तो थोड़ा देर अट्रैक्शन होता था, फिर खत्म हो जाता था, मतलब ये दोनों एक दूसरे को का जो पावर था उसको खत्म भी कर देते थे, मतलब इस पे जो चार्ज है और इस पे इसका अपोजिट है, तब ने अट्रैक्शन हो रहा है, और अट्रैक्शन होकर खत्म ही हो जाता था। उसी तरह से जैसे -3 है और +3 आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे को खत्म करके जीरो कर देता है। तो इसीलिए इन्होंने एक को जैसा नंबर होता है मैथ का, वैसे इसी से कंपेयर किया और बोल दिया कि चार्ज जो होता है एक पॉजिटिव होता है और एक दूसरा जो होता है वो होता है निगेटिव। ये सब था, हिस्ट्री भी था, आपको थोड़ा सा थ्योरी भी समझ आया। अब बात करते हैं रियल में चार्जेस के बारे में, कि आखिर ये चार्ज है क्या। चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं वो बात सब नहीं बोला, और नहीं मैं बोलने में इंटरेस्ट रखता हूँ। आपको सब क्लास में बोला गया है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा घर चलता है, हॉस्पिटल में यूज़ होता है, ठीक है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है, मशीन चलाने के, मैंने ये सब नहीं बोला, और मुझे लगता भी नहीं जरूरत है। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, थोड़ा देर भी हम इमेजिन नहीं कर सकते अपनी लाइफ को इलेक्ट्रिसिटी के बिना।
इलेक्ट्रिसिटी बहुत जगह यूज होता है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे होम्स में, ठीक है, चाहे वो पंखा चलाने के लिए, बल्ब चलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए, बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज होता है, मशीन चलाने के लिए, एक चीज को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इस सब चीज के लिए ट्रांसपोर्ट में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हम लोग का आज बहुत सारा जो रेलवे है, ठीक है, ट्रेन है, वो सब चलता है इलेक्ट्रिसिटी पे, तो बहुत सारा यूज है, मैं उसके बारे में ज्यादा बात करने वाला हूँ। सीधा आते हैं चार्ज पे, तो ये आप लोग चार्ज क्या है, तो किसी बॉडी का अट्रैक्टिंग पावर, अट्रैक्टिंग कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी, ये पुराने डिफिनेशन के हिसाब से, बहुत सारा डिफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे, अट्रैक्टिंग पावर या कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, ठीक है, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री में थोड़ा सा तो पढ़े होंगे, सारा जो मैटर है, मैटर मतलब जो भी चीज हम आसपास देख रहे हैं, जिसके पास मास और थोड़ा सा जगह क्षेत्रता हो, वो मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है, सबसे छोटा यूनिट क्या है उसके एटम्स, और वो एटम्स भी फर्दर बने किससे रहते हैं, चार्ज पार्टिकल से, किससे, चार्ज पार्टिकल से। ये चार्ज पार्टिकल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, प्रोटॉन्स को, एंड ऑफकोर्स न्यूट्रॉन्स को, पर न्यूट्रॉन्स जो होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो चार्ज पार्टिकल कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। किसी भी बॉडी में इक्वल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इक्वल प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज होता है, ठीक है, उतना ही प्रोटॉन पे होता है और पॉजिटिव, इसीलिए जो बॉडी होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है, कैसा होता है, न्यूट्रल। तो हम लोग चार्ज इसीलिए ऑब्जर्व नहीं कर पाते, जब हम एक दूसरे आदमी को या अपने फ्रेंड को छूते हैं तो हम लोग चार्ज ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन वही जब रब किया जाता है तो कुछ ऐसा होता है कि एक बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन है, जो आप लोग केमिस्ट्री में थर्मामीटर पढ़े, वो इलेक्ट्रॉन चूंकि सेल में घूमते रहता है ऐसे करके, तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे में चला जाता है, इसी कारण एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, तो वो अलग अलग बिहेव करने लगता है, जिसको हम पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बोलते हैं। तो चलिए उसी बारे में तो हम लोग और बात करते हैं। तो अब जहाँ अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्सन हो रहा है, जब भी हम देखते थे, जैसे हम लोग, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वो जो कंब था, वो कंब जो इससे हम बचपन में खूब खेले हुए हैं, वो कंगी, वो वाला एक्सपेरिमेंट खूब किया, उस कंगी से जहाँ स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, वो ऑफकोर्स अट्रैक्ट होता था, और वो अट्रैक्ट होने से का मतलब क्या है, अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या मतलब है, आप जानते होंगे कि अट्रैक्शन मतलब खींचना यानी पुश, और रिपल्सन जो होता है किसी दो चीज़ का, जैसे दो पेपर है या दो कंघी है, दोनों कंघी को एक तरफ करके, और थोड़ा सा आप देखेंगे अगर बहुत माइन्यूट सा रिपेलिंग होगा दोनों कंघी, क्योंकि सेम चार्ज होगा, तो रिपल्सन मतलब पुल खींचना, सॉरी अट्रैक्शन मतलब खींचना, हाँ तो पुश ठीक था, और पुल धकेलना, रिपल्सन मतलब एक दूसरे को धकेलना, तो ये पुश और पुल क्या है, यानी फोर्स है, यानी यहाँ पे कौन होगा, तो एक फोर्स होगा, ठीक है, उस फोर्स का एक नाम भी होगा, जी हाँ इसका नाम भी है, इसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप ये क्लास 7-8 में पढ़े हुए हैं फोर्स चैप्टर में, कि चार्ज बिटवीन टू बॉडी, चार्ज एग्जर्टेड बाय टू चार्ज बॉडी इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो हर एक चार्ज बॉडी किसी दूसरे चार्ज बॉडी पे क्या करता है, एक फोर्स लगाता है, फोर्स क्यों लगाता है, आपको मैंने ये सिंपल ऑब्जर्वेशन से दिखा दिया, अट्रैक्ट रिपेल कर रहा है ना, अट्रैक्ट रिपेल का क्या मतलब है कि उस पर फोर्स लगा रहा है। अब देखिए, अब ये हुआ कब था, तो रगड़ने के बाद ही हुआ था, आफ्टर रबिंग, रगड़ने से पहले इस दोनों में कोई अट्रैक्शन नहीं था, यानी रगड़ने पे वो चार्ज हो जाता है और वो एक फोर्स लगाने लगता है, ओके। तो अब हम लोग समझते हैं, ये तो थोड़ा सा समझ गए अभी चार्ज क्या होता है। तो हर एक बॉडी में मैं ये बताया आपको, हर एक मैटर है, और मैटर हम लोग सब मैटर है, मैटर में एटम होता है, एटम में चार्ज पार्टिकल। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैटर होगा तो उसमें चार्ज पार्टिकल होगा ही, अगर मैटर होगा तो उसमें चार्ज पार्टिकल होगा ही, उसका एक प्रॉपर्टी हो जाएगा, क्योंकि मैटर खुद बना रहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से। तो ऐसे भी हम लोग बुक ऐसे भी डिफाइन करता है, और मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया आपको कि चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑब्जेक्ट, चार्ज इज फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब समझते हैं ना, जैसे फंडामेंटल राइट होता है, मतलब वो राइट जो किसी चीज किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म से ही हो, मतलब अगर वो व्यक्ति है तो उसके पास वो अधिकार वो राइट होगा ही। उसी तरह से फंडामेंटल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि वो प्रॉपर्टी जो किसी बॉडी के पास तभी से आ जाए जब से वो बॉडी एग्जिस्ट करने लगा है। जैसे चार्ज जहाँ कोई मैटर है तो वो मैटर में एटम होगा, और एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना हुआ है, यानी चार्ज से बना हुआ है, यानी उसके पास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किस चीज़ के, चार्ज की। तो ऐसे भी कोई कोई बुक डिफाइन करता है, ओके। और ये बहुत सारा बात करते हैं, तो अभी हम लोग देखे चार्ज के बारे में, चार्ज को नापते किसके बारे में, हाँ हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको पहली बार एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स अगस्टिन कोलंब, ठीक है, वो चार्ल्स अगस्टिन कोलंब, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसा कि न्यूटन भैया ने किया था, और न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन सर ने किया था, और न्यूटन सर ने एक फोर्स का वैल्यू निकाला था कि हर एक दो बॉडी के बीच में, आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे, हर एक दो बॉडी के बीच में एक फोर्स होता है जो उनके मास के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और
उनके डिस्टेंस, उनके बीच के जो सेंटर के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उन्होंने एक फोर्स लगाया था एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, इसको कंबाइन करके, उम्मीद है आप ये जानते हैं। उसी तरह से जो हमारे चार्ल्स अगस्टिन कोलम थे, सेम चीज़, मैं इसको क्यों बताया क्योंकि इसे बहुत रिलेटेड है, बुझिए एक तरह का ही है चार्ल्स अगस्टिन कोलम। पर यह नहीं समझिए कि ये कॉपी कर लिया है न्यूटन का, न्यूटन से बहुत पहले ये चीज़ हो चुका है। चार्ल्स अगस्टिन कोलम, चार्ल्स अगस्टिन कोलम क्या किए थे, तो इन्होंने सबसे पहले उस फोर्स को मेजर किया था। अब कैसे मेजर किया था तो बहुत कंफ्यूजन है आपके लिए, अभी आप उतना नहीं समझ पाएंगे। अभी आप समझिए कि इन्होंने फोर्स को भी एक्सपेरिमेंटली, ऐसे ही नहीं, न्यूटन भी ऐसे ही नहीं कर दिए थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लगता है। तो चार्ल्स अगस्टिन कोलम जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें भी वो ऐसा ही रिजल्ट पाया कि अगर मान लीजिए किसी बॉडी पर चार्ज क्यू वन है, वो जब कोई दूसरा बॉडी क्यू टू उसके पास में आता है, ये आप थोड़ा सा याद रखिए कि दूसरा बॉडी जब, दूसरा चार्ज बॉडी जब उसके पास आता है तो उस पर फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि ये चार्ज है। अब ये चार्ज हो सकता है पॉजिटिव भी हो, निगेटिव भी हो। अब मान लीजिए ये चार्ज पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव हम लोग लेते हैं जिससे कि हमको आसानी हो। अब ये निगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज अगर आया तो रिपल्सन होगा यानी पुलिंग होगा, धक्का देगा तो भी फोर्स है, या अगर अगर निगेटिव चार्ज आया तो पुशिंग होगा यानी तब भी फोर्स लगेगा। तो एक फोर्स लगेगा जब दो चार्ज आएगा। तो उन्होंने बताया ये जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यू वन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के डिस्टेंस के बीच में। मतलब एक चार्ज क्यू वन है, एक चार्ज क्यू टू यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस आर है, या ऑफकोर्स अगर चाहे तो डी लिख सकता है डिस्टेंस को। तो जो ये फोर्स बना है इनमें इन्होंने सबको कंबाइन किया, क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, तो एफ, और यहाँ पे क्या कर दिए, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग के डालते हैं, आपको पता है शायद क्यों डालते हैं, ठीक है, नाइन्थ में ही आपको बताया जाता है। तो बाई के ये जो फोर्स लगाया इसी को इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैंने कल मतलब बताया था, वो ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी का जिसमें हम चार्ज एट रेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं ना वो चार्ज एट रेस्ट का ही है, ठीक है, चार्ज एट रेस्ट का ही बात करें। तो एक फोर्स लगता है, ये फोर्स क्यों पड़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने के लिए ये फोर्स बहुत जरूरी है पड़ा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब आएगा तो फिर से हम यह कंसेप्ट बताएंगे, जब कोई चार्ज दूसरे बॉडी के पास आता है तो उस पर फोर्स लगता है। अगर आप ये लेक्चर नहीं देखे रहेंगे तो तब कन्फ्यूज होइएगा, तो इसीलिए मैंने ये बताया। तो ये फोर्स लगता है, आपको ये इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे कोई हैवी है नहीं, जैसा आप ग्रेविटेशन में पढ़े थे सेम चीज़ है, देख रहे हैं कॉपी है एकदम, आर स्क्वायर वहाँ एम था तो यहाँ चार्ज की बात है, तो चार्ज है, चार्ज को क्यू से दिखाते हैं, ठीक है, चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। अगर आपको नहीं पता तो लिख लीजिए, चार्ज को जो डिनोट किया जाता है, सिंबल दिया जाता है, वो किससे, क्यू से। और इन्हीं के नाम पर, चार्ल्स अगस्टिन कोलम के ही नाम पर जो यूनिट है वो क्या रख दिया गया चार्ज का, तो यूनिट ऑफ चार्ज, या बोले ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कोलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज यह है कोलम। अब देखिए, अब हम लोग देख लिए चार्ज क्या होता है, टाइप चार्ज कैसे आता है किसी बॉडी में, तो रब करके, एक तरीका है रब करके, और ये दो अलग अलग प्रॉपर्टी कैसे हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है किसी बॉडी पे चार्ज का मतलब, तो चार्ज मीन्स सिंपली चार्ज हुआ है, इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। अब जिस बॉडी से ट्रांसफर हुआ होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी, प्रोटॉन उतना ही होगा, तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, निगेटिव की कमी, मतलब पॉजिटिव ज़्यादा नहीं, पॉजिटिव तो ज़्यादा हो ही जाएगा। मान लीजिए 11 इलेक्ट्रॉन था किसी बॉडी में, 11 प्रोटॉन था, सोडियम का बात करें, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, तो उसमें से अगर अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो अब 11 प्लस है, प्रोटॉन मतलब प्लस, और 11 अब 10 माइनस है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया है, तो अब कितना बचा, प्लस बचा, प्लस वन, तो ये पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। कौन, जिस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाता है वो जो पॉजिटिवली चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। वैसे ही एक आया था निगेटिवली चार्ज, सेकंड तरफ का जो चार्ज है वो है निगेटिव चार्ज। ये निगेटिवली चार्ज कब हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेनर। तो कोई चीज़ पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और निगेटिव चार्ज भी। इसका सिंपली क्या मतलब है कि या तो चार्ज इफिशियंट होगा, मतलब चार्ज उसके पास ज़्यादा है, या चार्ज की कमी होगा। तो चार्ज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज बॉडी मीन्स ए बॉडी, ऐसे लिखिए, ए बॉडी इज चार्ज्ड मीन्स, इसका क्या मतलब है, आइदर या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, आइदर इलेक्ट्रॉन इफिशियंसी, आइदर इट इज इफिशियंट इन इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी है उसके पास, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, और डिफिशियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो डिफिशियंट है किसी चीज़ के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ऐसे ही किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो कमी को
कमी की है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वो दे चुका है, तो या तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा या तो डिफिशिएंसी होगा। तो इस तरह से हम अभी बोल सकते हैं कि जो चार्जेज होते हैं वो चार्ज कितने तरह के होते हैं, चार्ज दो तरह के हो सकते हैं, एक होंगे पॉजिटिव चार्ज और एक होंगे निगेटिव चार्ज। बहुत सारा हम लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं जिससे हमको पता चला है दो अलग अलग है। इनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज। कैसे दिया था, क्योंकि क्यों दिया था पॉजिटिव निगेटिव, मैथ का वर्ड है फिर भी, क्योंकि इन दोनों ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने का कैपेसिटी रखते थे। पहले चार्ज को एज ए फ्लूड लिया जाता था, मैंने आपको सब बता दिया हिस्ट्री से अभी तक का। ओके, अब समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज के बारे में कुछ प्रॉपर्टी है उसके बारे में। तो पहला चीज आप समझिए कि चार्ज जो होते हैं, पहला जो अगर बोले प्रॉपर्टी, तो उसमें तो यह आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो मैंने आपको बताया था कि जैसे दो ग्लास रॉड थे, तो दो ग्लास रॉड सेम तरह का चार्ज रखते थे तो रिपेल करते थे। पहले आप ये लिख सकते हैं लाइक चार्जेज, लाइक लिखे या सिमिलर, मतलब एक जैसे, लाइक या सिमिलर चार्जेज जो होते हैं रिपेल करते हैं। जैसे दो पॉजिटिव चार्ज है या दो निगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये दोनों लाइक है, सेम है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये इसको इधर धक्का देगा, ये इधर धक्का देगा, तो रिपेल इच अदर। ठीक है, ये आपने बचपन में पढ़ा है मुझे उम्मीद है। दूसरा क्या है, अनलाइक यानी अपोजिट, अपोजिट जो चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट इच अदर। कहने का क्या मतलब है, या तो पॉजिटिव निगेटिव होगा या निगेटिव पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्शन करेगा। ठीक है, तो ये और क्या बात है, तो और ये बात है तीसरा चीज कि चार्ज एडिटिव है। चार्ज कैसा है, एडिटिव। एडिटिव का क्या मतलब है कि उसको सिंपल अलजेब्रा के तरह जोड़ सकते हैं। अगर किसी बॉडी में दो प्लस चार्ज है, दो इलेक्ट्रॉन्स है मान लीजिए, तीन इलेक्ट्रॉन्स और है और पांच प्लस चार्ज है, यानी दो माइनस, दो तीन माइनस और पांच प्लस, तो इसमें नेट चार्ज हो जाएगा माइनस टू माइनस थ्री प्लस फाइव यानी जीरो। तो मतलब चार्ज को अगर किसी बॉडी में बहुत सारा चार्जेज है तो उसको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, जोड़ सकते हैं। ओके, चार्ज एडिटिव है। और किसी भी बॉडी में जो सिंपलेस्ट चार्ज है, सबसे छोटा जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के पास होता है, तो स्मॉलेस्ट चार्ज, ठीक है, स्मॉलेस्ट चार्ज जो किसी बॉडी के पास है, स्मॉलेस्ट चार्ज प्रेजेंट इन नेचर, नेचर में जो प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये कितना है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, जो किसके बराबर है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के, किसके बराबर है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज रहता है, और ये सबसे छोटा चार्ज है नेचर के, किसी पे भी होगा तो इससे ज़्यादा ही रहता है, इससे कम नहीं रहता। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये भी प्रोटॉन का भी चार्ज है लेकिन उसमें पॉजिटिव में रहता है। तो ये बात थी किसी बारे में, चार्ज के बारे में। अब देखिए, जो आप देख रहे हैं ना कूलम, ये कूलम हम लोग बात जो किए यूनिट ऑफ चार्जेज, वो कूलम, कूलम बहुत बड़ा यूनिट है। इसको आपको मैं फील कराता हूँ कि कितना बड़ा यूनिट है ये कूलम। चलिए बात करते हैं कि कितना बड़ा यूनिट है कूलम। चलिए इसको हम समझते हैं कि कूलम कितना बड़ा यूनिट है, इसको समझते हैं। जैसे आप लोग समझते हैं, आप ये बड़ा यूनिट कहने का क्या मतलब है, तो जैसे मैं आपको बताऊँ सेंटीमीटर और किलोमीटर कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे किलोमीटर बड़ा है, ऑफकोर्स किलोमीटर बड़ा है। तो उसी तरह से जो ये कूलम है, कूलम जो यूनिट है, कूलम जो कि यूनिट ऑफ चार्ज है, जिसको सी से डिनोट करते हैं, वो बहुत बड़ा है, इज क्वाइट लार्ज। और इसको हम लोग अब समझते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा है, और इसको कैसे समझेंगे, तो इसको इस तरह समझेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब चार्ज रहता है, किसने के पास, एक इलेक्ट्रॉन के पास, प्रेजेंट इन वन इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर मैं एक कूलम्ब की बात करूं कि एक कूलम्ब चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के पास हो जाएगा, तो मुझे फील आ जाएगा ना। अगर मैं बात करूं, ये बहुत कम है, आप फील अगर करें, 10⁻¹⁹ बहुत कम होता है, ये 1/10, यहाँ पे 19 जीरो होंगे, इतना कम होगा। तो ये इतना कूलम्ब चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के पास है, तो हम लोग फील करना चाहते हैं कि आखिर एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम्ब बना देगा। तो एक कूलम्ब चार्ज जो होगा विल बी प्रेजेंट इन, वो प्रेजेंट कितने में होगा, तो वो हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻¹⁹। अब इसको आप ऊपर ले जाइए, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, 10/16 × ये पावर माइनस में है तो 10⁻¹⁹ हो जाएगा। ओके, इसको अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ, तो 0.625, ठीक है, इतना आया आपको, ठीक है, डिवीजन कीजिएगा, वैसे कैलकुलेशन सही लग रहा है पर आप एक बार और चेक कर लीजिएगा। तो इसको क्या लिखा, 0.625 × 10⁻¹⁹ कूलम, 19 इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं जैसे आपको पता चले, ये कितना हो जाएगा, 6. इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, उम्मीद है आप स्टैंडर्ड फॉर्म में जानते हैं, 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखिए सिंपल, मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया उतना से, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन, समझते हैं, इसको आप
18 जीरो से मल्टीप्लाई, मतलब इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आएगा, मतलब 16 जीरो इसके बाद आएगा, उतना इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना चार्ज रहता है, चार्ज ऑफ वन कूलम, वन कूलम चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है। ठीक है, ये एक दो नहीं है, करोड़ों अरब से भी ज़्यादा है। 10^18 आप सोच के देखेगा, 10^6 जो होता है वो मिलियन बना देता है, 10^9 बिलियन बना देता है, और ये 10^18 है। तो आप खुद थोड़ा सा लगाइए अपना दिमाग और सोच लीजिए कि ये कितना बड़ा है। ओके, अब देखिए ये तो हम लोग समझे हैं अभी कि किसी भी बॉडी के पास जो चार्ज होता है वो तत्काल खास के सॉलिड बॉडी में, तो ये चार्ज के बारे में हम लोग समझे हैं। अब समझते हैं कि जो हमारा मटेरियल है आसपास में, जो मैटर है, हमारा मटेरियल है, वो चार्ज के बेसिस पे, कि वो चार्ज को अपने से पास करने देता है या नहीं, उस बेसिस पे उसको दो क्लास में बांटा गया है। एक को बोलते हैं हम लोग कंडक्टर और एक को बोलते हैं इंसुलेटर। बचपन से आप जानते हैं तो मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। कंडक्टर मतलब जो पास करने दे, कंडक्ट करने दे, ठीक है। तो ये वैसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं, विच अलाउ द चार्जेज, चार्ज बोले या इलेक्ट्रॉन बोले, ठीक है। क्योंकि हम लोग अगर मेटल का बात करें, उसमें अगर सॉलिड का बात करें, तो सॉलिड में इलेक्ट्रॉन ही होता है। चार्ज कहाँ होता है वो हम लोग जल्दी फील करने वाले, विच अलाउ द चार्जेज टू फ्लो थ्रू दम, ठीक है। ये चार्ज को क्या करता है, फ्लो करना अलाउ करता है, ठीक है। क्यों करता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये इंसुलेटर क्या है, तो इंसुलेटर वैसे मटेरियल्स है, ठीक है। एग्जांपल तो आपको देने की जरूरत नहीं है ना, इसमें एग्जांपल में सारे मेटल आ जाएंगे लगभग लगभग। आयरन है, ठीक है, हमारे पास जो कॉपर होता है वो हम लोग खुद एक कंडक्टर है, वैसे मटेरियल जो नहीं अलाउ करते हैं, इट इज विच डू नॉट अलाउ द चार्जेस टू मूव, मूव नहीं करता। अब क्यों नहीं मूव करता है इसे समझ, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स वैसे बॉडी के, जैसे एग्जांपल में इसमें हो जाएगा वुड, वुड है, प्लास्टिक है, तो ये सब बॉडी ऐसा होता है जिनका इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो स्ट्रांगली बाइंड होते हैं, बहुत कस के बोल सकते हैं बाइंड रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, किससे, बाय द सरफेस, टू द सरफेस, सरफेस से, ठीक है। अब क्यों बाइंड रहते हैं, ठीक है, उसमें आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखना पड़ेगा कि कुछ इंसुलेटर ऐसा जो होता है उसमें न्यूक्लियस होता है ना बीच में, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन बगल में घूमते रहता है, मतलब ये इसको अट्रैक्ट करता है, तो वही कारण है इंसुलेटर में ये फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। अब फिर उसमें क्यों ज़्यादा होता है, तो उसके लिए बोला था आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बहुत अंदर जाना पड़ेगा, और उतना करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उतना नहीं जाना हम लोग को, ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है। स्ट्रांगली बाइंड टू द सरफेस, सरफेस से बहुत ज़्यादा बाइंड होते हैं, ठीक है, सरफेस से करने का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ एटम, एटम के न्यूक्लियस, ठीक है। अब अगेन एक और चीज़ हम लोग अभी जस्ट पढ़ते हैं, पर इससे पहले कंडक्टर में क्या है, तो उतना स्ट्रांगली बाइंड नहीं रहते हैं, न्यूक्लियस इसलिए होता है। अब एक चीज़ बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि चार्ज इज ओनली प्रेजेंट ऑन सरफेस, चार्ज सिर्फ कहाँ रहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रहते हैं। अब ऐसा क्यों है, चार्ज यहाँ पे तत्काल चार्ज का कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि अभी हम देख सकते हैं कि मेनली जो है इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन्स तो बीच में न्यूक्लियस में रहता है, तो उसका तो ट्रांसफर होने वाला नहीं है, तो होगा किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ सरफेस पे ही क्यों रहते हैं, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, बुक में बहुत सारा लाइन लिखा रहता है, बहुत सारे बुक में, तो ऐसा क्यों होता है। तो मैं एक इमेजिन करता हूँ, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये वायर का एक पोर्शन है, तो इस वायर में देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होगा, एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जहाँ होगा तो इस सब का इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसा होता है, निगेटिव, तो ये अगर निगेटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये सब अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करना चाहेंगे, तो ये सब अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करना चाहेंगे कि इनका मैक्सिमम दूरी हो। तो मैक्सिमम दूरी कब होगा, जब ये अपने सरफेस से आ जाए और ये अपने सरफेस पे, जब आपके मन में होगा तब तो सबसे अच्छा है कि ये इलेक्ट्रॉन भाग जाए, ये इलेक्ट्रॉन भाग जाए, पर हम लोग के आसपास जो मीडियम है वो यहाँ पे क्या है, एयर है, इधर इसके चारों तरफ क्या है, एयर, जो हम लोग कमली बात करें, हम लोग का जो वायर होता है वो कहाँ रहता है, एयर, और एयर कैसा है, तो एयर इज इंसुलेटर, एयर कैसा होता है, इंसुलेटर, मतलब यहाँ से चार्ज भाग ही नहीं सकता, ये तो बॉडी था, कंडक्टर था, तो कंडक्टर में क्या हुआ, तो चार्ज मैक्सिमम चूंकि एक दूसरे पर धक्का मार रहा था, तो धक्का मारने के कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने में दूरी बनाए। हम लोग अगर धक्का रहता है, लाइन रहता है, मान लीजिए असेंबली का लाइन लगा हुआ है मॉर्निंग का प्रेयर का, तो वहाँ पे जब लाइन लगाया जाता है और इसमें धक्का मुक्की हो रहा है, तो टीचर आके क्या करते हैं, या आप खुद भी क्या करते हैं, तो अपने बीच में डिस्टेंस बनाते हैं, पर यहाँ पे ये भी डिस्टेंस बनाया, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस बनाया, लेकिन इससे ज़्यादा डिस्टेंस वो नहीं बना सकता, इससे ज़्यादा डिस्टेंस बनाने का मतलब वो एयर में चला जाए, पर एयर में तो वो जा नहीं सकता है, क्योंकि एयर में फ्लो अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है, क्योंकि एयर खुद एक इंसुलेटर है, मतलब वो चार्ज को पास करना अलाउ नहीं करता। ये था, इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये नेक्स्ट लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आप समझिए, अभी हम देखे थे कि इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है जब भी कोई दो बॉडी चार्ज रहता है, तो एनी टू बिटवीन एनी टू बॉडी, किसी भी दो चार्ज बॉडी के बीच में, बिटवीन एनी टू चार्ज बॉडी एक फोर्स लगता है, ए फोर्स इज एग्जर्टेड, एक फोर्स एग्जर्टेड होता है, फोर्स अप्लाई होता है, और उस फोर्स को हम लोग बोले थे, अगर अच्छे से बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है। वो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या दिखता तो नहीं है, वैसे तो आप बोलेंगे कोई भी फोर्स नहीं दिखता, पर मैं आपको बता रहा हूँ क्या ये इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसका आप लोग देख सकते हैं। देखने का काम क्या मतलब है, देखने का मतलब है कि क्या ये कॉन्टैक्ट पे होता है, तो आप बोलेंगे नहीं चार्ज बॉडी, अगर एक बॉडी यहाँ चार्ज था, कंघी मेरा यहाँ चार्ज था, पेपर का पीस यहाँ था, तो ये अपने आप अट्रैक्ट हो गया था। तो अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे चार्ज बॉडी था, इसके पास कुछ चार्ज था, इसके पास कुछ चार्ज था, ठीक है, तो चार्ज के कारण ये अट्रैक्शन हुआ मैं मानता हूँ। अब आपके मन में आ रहा होगा पेपर के कहाँ से चार्ज हो गया, तो पेपर समझिए, पेपर जो है उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव प्रेजेंट है, तो मान लीजिए प्रोटॉन, ये जो कंघी है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ऊपर की तरफ, अपोजिट चार्ज में तो अट्रैक्शन होता ही ना, तो ये खींचेगा, तो इसलिए ये चार्ज हो गया, तो कॉन्टैक्ट नहीं बना। तो अगर मैं बताऊँ कि अगर ये कंघी इसके पास नहीं लाया जाता तो क्या ये फोर्स नहीं रहता, आपको फिर से समझना है, मान लीजिए कंघी था मेरा, तो कंघी को, इस कंघी को मैं जब इस एयर के पेपर के पीस के पास ले गया तो मुझे फोर्स फील हुआ, क्या ये नहीं था, अगर पेपर वीट नहीं रहता तो क्या यहाँ फोर्स नहीं रहता, तो ऑब्वियस है आपको बोलना होगा नहीं फोर्स तो रहना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि पेपर आएगा तभी फोर्स दिखाएगा, पेपर नहीं आएगा तो फोर्स नहीं लगाएगा, ऐसा तो कोई बात नहीं ना है, आपको ये होना चाहिए कि फोर्स तो पहले भी था अब भी है, ठीक है, तो यानी फोर्स नहीं था तो था क्या, जब यहाँ पे फोर्स नहीं था तो आखिर था क्या, तो वहाँ एक कंसेप्ट आता है फील्ड का, ठीक है, फील्ड का, और इलेक्ट्रिक का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है किसी चार्ज बॉडी के चारों तरफ, रीजन द रीजन अराउंड अ बॉडी, अराउंड अ चार्ज बॉडी, जितना तक वो रीजन, जितना तक उसका प्रभाव फील किया जा सके, अराउंड विच अ चार्ज बॉडी, ठीक है, जिसमें उसका फील किया जा सके, इन विच इट्स फोर्स कैन बी फील्ड, इसका फोर्स जो है वो फील किया जा सकता है। अब आपको मैं ये सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ, अगर ये आपको हैवी लग रहा है, आपके फादर मान लीजिए यहाँ प्रेजेंट है आपके आसपास, तो आप क्या है, तो आपके पास उनका डर का फील्ड है, एक फील्ड है कि हम अगर अभी बदमाशी करेंगे तो फादर आके एक थप्पड़ देंगे, पर ये आप समझिए आप थोड़ा ज़्यादा दूर हैं, ठीक है, आप अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अरे पापा तो दूर है, अभी बदमाशी करते हैं, अगर ज़्यादा कुछ करेंगे तो क्या होगा, भाग जाएंगे, मतलब यहाँ जो है वही फील्ड है, ठीक है, आपको कुछ लग नहीं रहा है पर आपको वो फील्ड है, फादर का वो फील्ड है जिससे आपको डर लग रहा है, तो वैसे इलेक्ट्रिक का भी फील्ड होता है, जब तक कोई चार्ज बॉडी है उसके आसपास में वो फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, और वो फोर्स हमको दिखता नहीं है, ऑफ कोर्स कोई फोर्स दिखता नहीं है, तो इसलिए उसको हम क्या नाम दिए हैं, ठीक है, उसको हम फील्ड नाम दिए, मतलब उसका अपना एरिया है, जैसे हम लोगों का किसान भाइयों का फील्ड होता है उसी तरह से उसका वो फील्ड है, एरिया है। अब देखिए जब मान लीजिए कोई चार्ज यहाँ क्यू है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्यू है, इसमें अब कोई दूसरा बॉडी को लाएंगे, अगर एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाना चाहेंगे, तो ये तो यहाँ फील्ड अपना लगाया हुआ है, इसका तो अपना फील्ड है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं फोर्स है, सिंपल में बोल सकते हैं, फील्ड रहता है मतलब फोर्स ही है, फोर्स जब फोर्स और फील्ड दोनों लगभग लगभग क्या है, एक ही है, ठीक है, लेकिन फील्ड तब दोनों के लिए अलग अलग वर्ड क्यों है, तो फोर्स दिखाता है कि कोई इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कोई प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन फील्ड वही चीज़ दिखाता है जब वो कोई पास में बॉडी रहता नहीं, जैसे कंभ है, कंघी है, वो कंघी जब चार्ज था तो इसके आसपास में एक रीजन था जिसमें वो प्रभाव डाल सकता, तो वो उसका फील्ड है, लेकिन जब पीस ऑफ पेपर आ गया तो वो अपना फोर्स दिखा दिया, तो यही है फील्ड और फोर्स में, लेकिन दोनों एक ही है। तो अब यहाँ पे जब इसके पास ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाएंगे तो क्या होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी जहाँ इसके पास लाना हम चाहेंगे, तो ये तो अपना फोर्स, इसका तो इस रीजन में क्या होगा फोर्स, तो जहाँ इसके रीजन में, जैसे दादा का रीजन होता है ना, एरिया होता है ना, वैसे ही ये दादा का इसका एरिया है, तो जैसे ये यहाँ पे आने का कोशिश करेगा तो ये इसको रिपेल करना चाहेगा। अब बोलेंगे भी ये आने का क्यों कोशिश करेगा, अरे भाई तो कंडक्टर जो होता है, जो आपका जो वायर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, जो करंट के बारे में थोड़ा मात्रा जानते हैं ना आप, करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज है, चार्ज का फ्लो ना, तो उसमें यही तो होता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास आता है और उसका मैसेज ट्रांसमिट करता है कि चलो भैया इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, ठीक है पास करो, और यहाँ पे जो बल्ब है बल्ब को लाइट करो, ठीक है, तो ऐसे ही तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है तो चार्ज का फ्लो तो होना है, और चार्ज के लिए एक चार्ज का दूसरे चार्ज बॉडी के पास आना है, तो अगर चार्ज एक चार्ज दूसरे चार्ज के पास आ रहा है तो उसी फील्ड में आ रहा है मतलब, और फील्ड में जहाँ आएगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, मतलब अगर इस चार्ज बॉडी को इसके पास आना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपना भी एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और जहाँ भी फोर्स होता है और
ये डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा दिखाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा भी, तो वहाँ वर्क करना पड़ता है। इसी वर्क के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अभी मेरा मुझे समझाना था कि जब भी कोई चार्ज बॉडी है, उस चार्ज बॉडी का अपना एक फील्ड होता है, जब कोई दूसरा चार्ज बॉडी उसमें इंटर करने का कोशिश करता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो उस पे एक फोर्स लगता है। अब अगर इस दूसरे चार्ज बॉडी को अंदर आना है, उस बॉडी के साथ आना है, जैसे कि इस यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन आता आना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी इसको भी कुछ काम करना पड़ेगा, काम करेगा तभी इसके अंदर आ सकता है। काम का डिफिनेशन, वर्क का डिफिनेशन तो आप जानते हैं ना, वर्क का क्या मतलब है, वर्क का मतलब, वर्क तब कहा जाता है जब फोर्स, कुछ फोर्स के कारण क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट। तो सेम चीज़ इसको यहाँ पे आगे भी बढ़ना है, आगे बढ़ना है, इसको मैसेज देना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो करना है और उसके साथ साथ क्या, फोर्स भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका फोर्स है। वो इसको आप ऐसे ही जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक भाई का ये एरिया है, उस भाई के एरिया में आइएगा तो आपको हफ्ता देना पड़ेगा, सेम चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। अब अगला लेक्चर जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अच्छे से समझेंगे। आप ये लेक्चर उम्मीद है अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर नहीं देखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ नहीं आएगा, आप एक रट के ही रह जाइएगा उसको, ठीक है। पर मेरा कोशिश पूरा इस लेक्चर में यही था, लेक्चर थोड़ा बड़ा जरूर हो गया, लेकिन मेरा कोशिश यही था कि आप फील्ड को और फोर्स को अच्छे से समझ पाए। अब वो मैंने हिस्ट्री भी बता ही दिया थोड़ा मोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किससे बात करेंगे, तो बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।